करत करत अभ्यास यही जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात ही सिल पर बनत निशान। जब आपकी जिम्मेदारी होती है ना तो आपके भीतर स्टॉक में बहुत बुद्धि है। कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कर ही नहीं पाया है। वैज्ञानिक 14% बुद्धि का प्रयोग करता है, नेता भी 10-12% कर लेता है, और जो बहुत इंटेलिजेंस कहे जाते हैं बस वो भी 13-14 में ही रह जाते हैं। बाकी लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग सही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्या कारण है? पारिवारिक कलह क्लेश के कारण, कहीं स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण, नाना प्रकार की समस्याओं में उलझ जाने के कारण, टेंशन में रहने के कारण, तनाव में रहने के कारण, अपना स्वभाव ठीक न होने के कारण, चरित्र ठीक न होने के कारण, आलस्य होने के कारण, अभिमानी होने के कारण, क्रोधी होने के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग नहीं कर पाता है। समस्याएं तो रामकृष्ण के जीवन में भी थी। समस्या तब नहीं होती है जब तुम मर जाते हो। मुर्दे को कोई समस्या नहीं है, जिंदा आदमी को समस्या रहती है। तुम्हारी जिंदगी में समस्या है इसका मतलब तुम जिंदा हो, और समस्या खत्म इसका मतलब तुम खत्म हो चुके हो। समस्या है कहां नहीं, और समस्या का समाधान तपस्या से होता है। तपस्या आपके अंदर होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। एक्टिव होने से स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता है, और निगेटिव होने से स्वास्थ्य भी खराब होता है। पड़े रहो, पड़े पड़े सड़ते रहो। तो एक तो जिम्मेदारी वो व्यक्ति ले सकता है जो आलसी नहीं होगा, जिम्मेदारी वो व्यक्ति ले सकता है जो परिश्रमी होगा, जिम्मेदारी वो व्यक्ति ले सकता है जो लेना चाहता है, जिम्मेदारी वो व्यक्ति लेकर सही निभा सकता है जो कर्तव्य के महत्व को समझता है, और जिम्मेदारी वही व्यक्ति ले सकता है जो अपने आप को कुछ बनाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, ऊंचाई पर उठना चाहता है, बहुत कुछ मंजिल को पाना चाहता है, वो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है। निकम्मे आलसी कूचड़ लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये काम चोर तो इधर उधर चोरी करके बैठे रहते हैं। तुम्हारे घर में भी कोई कोई काम चोर है। इस भारत देश में चोर बहुत है, रुपया चोर, सामान चोर, गेहूं चोर, चावल चोर, चप्पल चोर, बर्तन चोर, रजाई गद्दा चोर, गोबर चोर, पैरा चोर, सब तरह का चोर है। और इन सब चोर में सबसे खतरनाक चोर है काम चोर। बहुत खतरनाक है काम चोर है। काम करने नहीं चाहता, दांव काट जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं इससे मैं ही डाउन हो रहा हूँ, मेरा ग्राफ गिर रहा, मेरी क्रेडिट गिर रही, मेरी प्राइस गिर रही है, और मेरा सम्मान कम हो रहा, मेरी डिमांड गिर जाएगी। याद रखना, जिस व्यक्ति की डिमांड खत्म हो जाती है उसका कमांड खत्म हो जाता है, फिर वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता है। इसलिए अपनी योग्यताओं का प्रयोग करो, क्षमता का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, तो आपकी इस शरीर से काम लो तो शरीर मजबूत होता है। खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी है और खड़ी है तो खटारा हो जाती है। ऐसे ही शरीर को भी चलाते रहोगे, काम करते रहोगे, तो ये आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा, चमकता भी रहेगा, बुद्धि भी तेज रहेगी, और इससे काम नहीं लोगे तो इतने बुद्धू नाथ बनोगे तुमका अपने बुशर्ट के बटन भी उल्टा पलटा लग गई हो, और उल्टा कुर्ता पहरी घूमी हो, और चप्पल बाएं में का दाएं पहरी हो, दहिना वाला बाएं पहरी हो, लोग कहें उल्टा पहरी हो, तो तुम कहा तुम्हारी उल्टा ही खोपड़ी है, चलो जाए तरह। ये सब बिगड़ेगा दिमाग। सारी जिम्मेदारी लीजिए, और हम अपने संतों की केवल जिम्मेदारी नहीं ली है, दूसरे संतों की भी लेते हैं। जैसे ये महात्मा बैठे, इनक्यू ले, इनसे हमसे ज़्यादा मतलब तो रहता नहीं, लेकिन है जिम्मेदारी, हम इनको बता दें तुम बैठो, और जब मिले सुबह तो 100-100 रुपया सबका देना। हम कि नहीं विदाई नहीं है, मिलने की दक्षिणा है, और जब जाइ हो तो फिर और देवे, ध्यान रखते हैं। अब कुछ ना दे हो तो ये कमंडल लेके फिर चलते हैं, जिन्हें कंजड़ो आदमी दे ही कुछ ना। हम बिहार में गए, वहाँ कम से कम 10-20-30 आश्रमों में भी हमने सबकी जिम्मेदारी लिया। अब फोन से मैं बात नहीं करता दोबारा, सबको रुपया दिए, रुपया देवाएं,
मिनिस्टरों से देवैन, सांसद से देवैन, विधायकों से देवैन, खुद हमने कम से कम 15 लाख हमने बांटा वहां 4 साल में, और साथ साथ में जनता से देवैन। गुजरात जाता तो वहां जिम्मेदारी ले लेता और दोबारा घूमने की बात नहीं, क्योंकि कोई आश्रम हम लेना नहीं चाहते, तो बार बार खुसुर फुसुर बतलात कहे हुआ जो लेवैये नहीं हम, क्योंकि लेने में हम फंस जाएंगे, प्रवचन कैसे करेंगे, दुनिया भर का सब आश्रम के लफड़क नहीं, बस सहयोग करो, मदद करो, उनकी जिम्मेदारी उनको समझा देता। प्रवचन किया मैंने, उन्होंने हमसे कहा नहीं था हमारे यहाँ कुछ मदद करवाना, 17 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था, तीसरी मंजिल आश्रम बन गया। तो बोले प्रोग्राम करूँगा, हमने कहा भी नहीं, 2 साल रुको, आश्रम बना लो, प्रोग्राम की जल्दी नहीं। तो नर्मदा जिले के लोग बोले हम करेंगे, हमने कहा तुम कर लो, इनका नहीं होगा। जिम्मेदारी लेने से बुद्धि बढ़ती है। और मैं आपको सच बताता हूं, अपने रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी लो। ग्वालियर में एक भक्त हमारा रहता है, उसका नाम शायद रमेश है, ठेकेदार। वो कह रहा था मेरे घर में एक चम्मच तक नहीं था, कटोरी तक नहीं थी, और हमारे पिताजी बहुत देवता आदमी, देवता मतलब वैधा आदमी, जौन वैधा हो तो उनका देवता लोग बताते, जौन स्त्री बहुत वैधी हो कहती गाय रूप है, गाय मतलब बुद्धि नाई है, वैधी खड़ी है। और सदवन में यहाँ जौन मूर्ख साधु हो तो उनका कहते बहुत सीधे हैं, सीधे नहीं मूर्ख है पक्का, कुछ अकेले नहीं है, हाँ सीधा कहे क्या, सीधे का कहूँ हम टेढ़े हैं जो। तो ये भाषा है, चोट ना लगे उसका। तो सेटिंग को संभालो इस तरह से, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी रमेश ठेकेदार ने लिया। वो ठेका लेते थे मकान मकान बनाने का, उसमें कुछ बच जाता था 2-4 हजार, ठेका लेते लेते देखते देखते वो सब रिश्तेदारों की जिम्मेदारी लिया, घर की लिया, परिवार की लिया। वो धीरे धीरे बिना पढ़ा लिखा इंजीनियर हो गया, पढ़ा लिखा नहीं, डिग्री नहीं उसके पास, ऐसे नक्शा बनाता है दिल्ली के बड़े बड़े इंजीनियरों के कपड़े उतार देता है, इतना बुद्धिमान व्यक्ति निकला। बुद्धि बढ़ गई जब जिम्मेदारी लिया। मेरे साथ बैठा बोले गुरुदेव 2000 नक्शा बना चुका हूँ, कोई भी नक्शा एक नक्शा जैसा नहीं है, सब नए मॉडल का बनाता हूँ। तुम भी जिम्मेदारी लोगे बुद्धि बढ़ेगी, और बुद्धि बढ़ेगी तो समृद्धि बढ़ेगी, और समृद्धि बढ़ेगी तो आप सबकी मदद कर सको, इसलिए जिम्मेदारी। और बुद्धि बढ़ाने का एक फार्मूला है, भोजन कम खाया करो, कम खाओ। अब तुम कहोगे कितना कम खाएं, जितना खाते हो उसका आधा खाओ, कल से देखो खा कर क्या। पेट भरने के लिए मत खाओ, काम चलाने के लिए खाओ, कि हमें जरूरत कितनी एनर्जी की है। जैसे केला है, 10 केला खाओगे 2000 कैलोरी एनर्जी पहुंचेगी, तो 2000 कैलोरी एनर्जी तुम्हारी खर्च होगी कि नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो तुम्हारे चेहरे पर सुस्ती, उदासी, डाउनिंग, नींद, ऊंघ, ये सब पैदा होगी। इसलिए और जब कम खाओगे, और ये भी देखो सूट क्या करता है। अब केला सूट नहीं करता फिर भी खा रहे हो, दही बड़ा सूट नहीं करता फिर भी 2-4 बड़ा सांचे दांव मिला खा लो। आज मैं अनुपम के यहाँ गए, वहाँ दही बड़ा और खीर थी, तो हमने कहा गजब मामला है। तो दही बड़ा का एक टुकड़ा इतना काट कर खाया, फिर जो भगत वहाँ खड़े थे उनको थोड़ा थोड़ा काट काट के दे दिया, सबको बांट दिया। सब भगत चाहते थे हमको दे दें, गुरुदेव ना खाएं तो ठीक है, वितरण कर दिया। क्योंकि दही बड़ा है, दही है ठंडा है, उसमें उरद है वो भी ठंडा है, तो शाम को फिर गला पकड़ेगा, ये खांसी मारेगा। तो ये भी विवेक रखो कौन चीज नुकसान करेगी, इसको युक्ताहार विहारस्य कहते हैं। और कम भोजन खाने से बुद्धि बढ़ती है, हंसने से बुद्धि बढ़ती है, टेंशन ना करने से बुद्धि बढ़ती है, और दूसरों का सम्मान करने से बुद्धि बढ़ती है, और गहरी नींद सो लेने से बुद्धि बढ़ती है। और याद रखना, गुस्सा को कंट्रोल कर लेने से महाबुद्धि बढ़ जाती है, बहुत बुद्धि। और थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो तो बुद्धि के सागर हो जाओगे,
बुद्धहीन तन जाने के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और पवन कुमार को सुमिरन करने का क्या अर्थ है? थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो, हनुमान जैसी नम्रता भी हो, अभिमान ना हो, बुद्धि बढ़ेगी आपकी। हमारे संत महात्मा एक समैया गाते हैं, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित को भरमाई, तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाओगे बुद्धि घट जाएगी, बिल्कुल नहीं खाओगे तो मर ही जाओगे। कुछ थोड़ा खाना पड़ेगा, जो चीज नुकसान करती मत खाना। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर भर जाए। दयाल कहे सुन रे नर मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तिय के संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि, दीन सुसज्जन संगति कीने, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित को भरमाए। दयाल कहें सुन रे नर मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। मुझे विश्वास है कल से तुम बुद्धिमान बन जाओगे। तो शिक्षक पजामा को उठाकर खूंटी में टांग देता है, आंसू पोंछ लेता है, पेंट शर्ट पहनकर स्कूल चला जाता है, माँ के पैर छू कर जाता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, मुस्कुराता है। बच्चे पूछते हैं, पजामा कुर्ता सर पहनकर नहीं आए, अभी रेडी नहीं हुआ है, अपने घर की लड़ाई झगड़ा की बात नहीं बताया। याद रखना, जिसके घर की समस्या घर की दीवारों के बाहर नहीं पहुंचती है, वह घर कभी भंडा फोड़ नहीं होता है, और जिसके घर की अच्छाई पूरे देश में फैलती है, वह घर कभी विकास से रुकता नहीं है, विकास होता ही रहता है। अपने घर की अच्छाइयों को फैलाओ, और घर में कोई कमी है उसको घर ही तक दीवालों के अंदर दफन कफन करो। पड़ोसी से कहने मत जाओ मेरे घर ये हुआ। शिक्षक स्कूल से वापस मुस्कुराता हुआ लौट रहा है, द्वार पर बैठी हुई मां के पैर छूता है, नाराज नहीं है। कोई तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार करे फिर भी नाराज ना होना, ये आपकी साधना है। पैर छूता है तो माँ कहती, बेटा तेरे पाजामा का काम मैंने कर दिया है। आंगन में गया, बहन मिली, उसने कहा, भाई साहब नमस्ते, आपका पाजामा मैंने कंप्लीट कर दिया है। अंदर कमरे में गया, वाइफ मिली, उसने कहा कि पति देव, तुम्हारे लिए माँ बाप को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, आज आपका छोटा सा काम नहीं किया, दुख लगा, आपका काम कर दिया, पाजामा लेटी है। तो शिक्षक ने कहा, फिर लाओ पहन लेता हूँ। पहन कर खड़ा हुआ तो पाजामा, ना तो पाजामा में रहा ना अंडरबियर में रह गया। तो शिक्षक ने पूछा, क्या हुआ माँ? तीनों ने सलाह करके पाजामा नहीं काटा। बोले, अपने घर में तो सलाह होती ही नहीं है, सब मनमानी करते हैं, मैंने अलग से चार अंगुल काटा, तेरी वाइफ ने चार अंगुल अलग से काटा, बहन ने अलग से काटा,
12 अंगुल काट दिया, मोड़ मोड़ कर काटा, 16 अंगुल काटा, पाजामा की सत्यानाश हो गई, पाजामा बनने की बजाय बिगड़ गया। जिस घर में आपस में सलाह नहीं है, उस घर के सभी कार्य पाजामा की तरह ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए बाप बेटे भी सलाह कर लो, सास बहू सलाह कर लो, पति पत्नी सलाह कर लो और समझ लो, और तुम्हारे घर में जो सबसे इंटेलिजेंस व्यक्ति है उसके डिसीजन को सब लोग स्वीकार करो, उसको धन्यवाद दो। बुद्धिमान की बुद्धि से काम लेना भी सीखो। घर में जितने लोग होते सभी बहुत बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन बुद्धू भी नहीं, कुछ मीडियम बुद्धि के होते लेकिन कुछ टॉप बुद्धि के होते हैं। जो तुम्हारे घर में मास्टर माइंड है उस व्यक्ति का ध्यान रखो, क्योंकि मास्टर माइंड अगर सुरक्षित है तो आपका घर सुख शांति समृद्धि से भरा रहेगा। और मास्टर माइंड का ही पूरा खेल होता है। तो शिक्षक जैसा सहनशील बनो और अपने परिवार में हिल मिल करके